ये है पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म मिट्टी में दिया रहेगा तो पोलर फॉर्म में, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उनको बोला है ऐसे, हमने अलजेब्रा के रूप में लिखो, और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, इसको पोलर और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, आर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता बोलो तो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे होता है ना। तो किस चीज को हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, आर का वैल्यू वन, ये हो गया कॉस टू पाई बाई थ्री और आई साइन टू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, वन है। ठीक है, और ये एक्चुअली में क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, ऐसे ही होता है ना। तो मेरा टारगेट क्या है, एक्स और वाई निकालना, क्या निकालना, एक्स और वाई निकालना। तो हमको एक्स निकालना है तो हमको दो चीज पता होना चाहिए, एक तो आर और एक तो थीटा। तो इसमें से देखो आर मालूम चल गया, आर का वैल्यू क्या है, वन, और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, टू पाई आर बाई थ्री। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू निकल गया और थीटा का वैल्यू निकल गया, कितना, टू पाई बाई थ्री निकला ना। और मेरे को मेरा टारगेट है एक्स का वैल्यू निकालना, तो आर की जगह क्या लिखेंगे, वन और कॉस टू पाई बाई थ्री। तो कॉस टू पाई बाई थ्री कितना डिग्री होता है, निकालने की कोशिश करेंगे। पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, 60 में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को ब्रेक करके लिखेंगे, 1 × 90 डिग्री + 30 डिग्री। इन्हें कहाँ चला गया, वन होने की वजह से ये किसमें और हो गया, ये किसमें चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और वन की वजह से कॉस किसमें बदल गया, साइन, ऑड नंबर है तो ये 30 डिग्री हो गया। तो एक्स का वैल्यू हो गया -1/2, साइन 30 का 1/2 होता है, माइनस क्यों गया, कहाँ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है। ठीक है, ये हो गया। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, y का, r को r साइन थीटा, r का वैल्यू क्या है, 1 साइन 2π/3। ये साइन 2π/3 मतलब कितना डिग्री होता है, जैसे इधर आया 120 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, 120 को ब्रेक करो, 1 × 90 डिग्री + 30 डिग्री। ठीक है, रूल बोलता है कि अगर ऑड नंबर हो तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। ठीक है, आगे पॉजिटिव भी नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, कितना होता है, अब क्या हो गया, x निकल गया, y निकल गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर x का वैल्यू क्या है, -1/2 आई, y का वैल्यू कितना है, √3/2। इसे सिंपल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।